हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझने वाले हैं और साथ ही साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूफ भी करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है उसको जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेटमेंट जानने से पहले हम ये जान लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कहाँ पे होता है और इसका कुछ कंडीशंस होता है उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि बता दें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का एक थ्योरम है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, इसका एक कंडीशन क्या क्या होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे इस शेप का बॉडी मान लिए और इस एक्सिस के अलावा हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू अगर हम इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमको क्या करना है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसके पैरेलल एक एक्सिस कंसीडर करना होगा। मैंने यहाँ पे पैरेलल के एक्सिस कंसीडर कर लिया। सेकेंड जो इसका कंडीशन है कि ये जो हम कंसीडर वाला एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास होने चाहिए, उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उससे पास होना चाहिए वो कंसीडर वाला एक्सिस। तो ये हम कंसीडर किए थे ये एक्सिस, और इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे हम मान लेते सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे मानते थे कंसीडर वाला एक्सिस कहाँ से पास करना चाहिए, सी से। तो मैंने यहाँ पे फिगर में सी से पास करा दिया। और थर्ड क्या कह रहा है फ्रेंड, ये कह रहा है कि उस दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को मेजर लेने के लिए। जैसा कि यहाँ पे ये दोनों एक्सिस है तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको कह रहा है लेने के लिए। तो जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब होता क्या है फ्रेंड, जैसा कि एक दो पैरेलल लाइन है तो दो पैरेलल लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन में ये पूछ दे कि दो पैरेलल लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस दोनों के बीच में वही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। इट मीन्स कि उस एक्सिस के दोनों एक्सिस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर करना है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हम जानते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता क्या है। तो इसको इसके स्टेटमेंट को हम पहले पढ़ लेते हैं। इसका स्टेटमेंट इस तरह से कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम यहाँ पे इसके एक्सिस की इस एक्सिस के अलावा हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो इसके एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम आई मान ले तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके एक्सिस इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए जो मोमेंट जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी, ये एक्सिस कंसिडर किए थे जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो इसके अलोंग क्या होगा सेंटर ऑफ मास को पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेना है उस बॉडी का। तो मैंने यहाँ पे इसका आई सी मान लिया है कि इस एक्सिस के अलोंग इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी होगा, तो आई सी मान लिया प्लस और इस बॉडी का जो होल मास होगा एम हम मान लिए और इस दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, इस उसके मास और उसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके और उस दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, ये इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये किसका स्टेटमेंट है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। समझ गए फ्रेंड्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है। अब चलते हैं इसके प्रूफ की ओर। तो इसके प्रूफ में हम जैसा कि प्रूफ में ये एक पार्टिकल कंसीडर कर लिए इस फिगर में, जैसे यहाँ पे पार्टिकल कंसीडर कर लिए जो कि सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से कहाँ कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे है, और ये जो एक्सिस है जिसके थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने वहां से कितना डिस्टेंस पे, आर प्लस ए से। क्योंकि फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो यहां से डिस्टेंस है कितना ए और यहां से कितना डिस्टेंस है आर, तो इस दोनों का जोड़ के तब ना यहां तक पहुंचेगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आर प्लस ए। तो अगर हम इसके एक्सिस के पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं इस कंसीडर वाले एक्सिस के थ्रू, हम इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड आउट करते हैं तो क्या क्या होगा फ्रेंड्स कि इसका अगर ये एक पार्टिकल ये जो पार्टिकल कंसीडर किए इस पार्टिकल का पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं इस एक्सिस के अलावा तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, तो आर हो जाएगा ए और इस पार्टिकल का मास जो हम डी एम माने हैं तो क्या हो जाएगा, तो इस पार्टिकल एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसीलिए हम डी आई माने हैं, डी आई सी आई सी इसलिए माने हैं कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस आई सी मान लिए और एक पार्टिकल का इसीलिए हम डी में लगा दें, तो डी आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इट मीन एम आर स्क्वायर, तो एम हम उस पार्टिकल का डी एम माने और उसका डिस्टेंस जो है ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा एम डी एम इंटू ए स्क्वायर डी आई सी इज इक्वल टू, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो ये क्या हो जाएगा होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम ए स्क्वायर, इट मीन्स आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर।
समझ गए फ्रेंड्स, आई सी इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर। अगर हम उस इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें जिसके थ्रू हमको निकालना है, ये तो सेंटर ऑफ मास से कंसीडर जो की थी उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, अब हमको जिसके थ्रू निकालना है इस बॉडी का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई माने थे। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मास डी एम और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस ए, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है, ये आर दोनों को मिल जाएगा आर प्लस ए, तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो ये भी एक पार्टिकल का, इसीलिए हम पहले डी आई माने छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डी आई इज इक्वल टू क्या, उसका मास पार्टिकल का डी एम और डिस्टेंस जो है वो है आर प्लस ए का स्क्वायर था, डी आई इज इक्वल टू क्या डी एम आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो अगर हमको होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो इसके दोनों बगल क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है जहां जिसे यहाँ पे किए हैं, तो डी आई क्या हो जाएगा, आई आई क्या हो गया उस होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये जो है ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, तो उसको हम इस पे तो इस पे सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा डी एम इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू आर ए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एम आर स्क्वायर, अब डी एम ए से मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम ए स्क्वायर, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो डी एम इंटू टू आर ए हो जाएगी फ्रेंड्स। अब ऊपर हम देख चुके हैं डी एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था आई सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई सी इज इक्वल टू डी एम ए स्क्वायर, तो आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एम ए स्क्वायर, दोनों इक्वल है तो आई सी इज इक्वल टू डी एम ए स्क्वायर या एम ए स्क्वायर बात बराबर ही हुआ, तो आई सी इज इक्वल टू डी एम ए स्क्वायर, तो डी एम ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं आई सी, तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए तो क्या हो गया डी एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई सी। अब फ्रेंड्स ये जो है ये आर स्क्वायर इसमें कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड डीएम आर टू आर ए, तो यहाँ पे टू आर ए कांस्टेंट है लेकिन ए को हम बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ टू आर को निकालेंगे, तो टू आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ए, क्योंकि इसके ये इसका आगे यूज होगा तो इसीलिए हम ए को बाहर नहीं निकाले हैं, समझ गए फ्रेंड्स। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आई सी, तो आई सी ही रहेगा आई सी आर स्क्वायर और डीएम, एक पार्टिकल का मास डीएम था तो पूरे इस सभी पार्टिकल का सम का मास कितना हो जाएगा, जो हम माने थे उस बॉडी का जो मास होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, और आर स्क्वायर पहले से था तो एम आर स्क्वायर हो जाएगी, और टू आर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ये हो जाएगा। और जो फ्रेंड्स ये जो कंसीडर किए थे हम ये ऑब्जेक्ट, ये किसके अलोंग था, ये हम माने थे सेंटर ऑफ मास के अलोंग, ये सेंटर ऑफ मास के अलोंग ये बॉडी माने थे, कंसीडर किए थे हम ये एक्सिस, तो ये एक्सिस के थ्रू अगर हम रोटेशन करेंगे रोटेट करेगी तो ये जो होगा ये स्मूथली रोटेट करेगी, इट मीन्स ये बैलेंस्ड रहेगी, और इस बैलेंसिंग के कारण क्या होता है ये जीरो हो जाता है, ये जो है ये जीरो हो जाता है, ये इसको और एक्सप्लेन कर देंगे एनिमेशन के थ्रू आगे। तो अभी ये मान लीजिए कि टू आर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम ए क्या हो जाएगा जीरो, किसके लिए बैलेंसिंग के लिए, और हम ये एक्सिस को लेंगे क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एम ए है, तो ए कहाँ का डिस्टेंस है, उस सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है इसीलिए डी एम ए है, तो हमको जो सेंटर ऑफ मास से हम कंसीडर किए थे तो वो जो रोटेट करेगी वो क्या करेगी स्मूथली करेगी, तो इसको हम आगे समझा देते हैं कि ये जीरो कैसे होगा। तो अभी मान लीजिए कि जीरो हो गया बैलेंसिंग के लिए, तो एग्जाम में हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे जो इस तरह से एज ए बॉडी ऑलवेज अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ वेट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एम ए क्या हो जाएगा जीरो, तो टू आर से मल्टीप्लाइकेशन है तो टू आर डी एम ए का वैल्यू जीरो, तो जीरो हो जाएगी, तो जब ये पार्ट जीरो हो जाएगी तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई सी प्लस एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रूफ हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसको ये कैसे जीरो हुआ इसको और एक्सप्लेन करते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे दो दो प्लेट है और दोनों प्लेट रोटेट कर रही है, ये किस तरह से रोटेट करी, इस एक्सिस के लिए पूरा स्मूथली रोटेट कर रही है, लेकिन ये देखिए ये कैसे रोटेट कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इट मीन्स अगर सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस लेंगे तो वो क्या करेगा स्मूथली रोटेट करेगा, लेकिन ये देखिए कैसे रोटेट कर रहा है। तो और हम जो कंसिडर किए थे एक्सिस वो सेंटर ऑफ मास से कंसिडर किए थे, तो इसीलिए ये तो नहीं हो पाएगा, ये इस तरह से रोटेट करेगा अगर कोई भी बॉडी तो इस तरह से रोटेट करेगा। तो ये जो टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम ए जीरो कैसे हुआ अब इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम दो पार्टिकल में कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि एक पार्टिकल इधर है एक पार्टिकल इसके अपोजिट, वहां पे दो पार्टिकल कंसीडर कर ली जो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो जैसा कि हम कंसीडर किए थे एक पार्टिकल इधर दोनों उस प्लेट पे, तो ये हो गया एक दूसरे का, और ये एक बीच वाला हो गया कौन सा
एक्सिस हो गया रोटेशन। इसका मान लेते हैं m1 था मास और इस पार्टिकल का मास m2 है, ये जो डिस्टेंस है ये r1 है और ये जो डिस्टेंस है ये r2 है, समझ गए फ्रेंड्स। तो ये सेंटर ऑफ मास पे तो ये क्या होगा, बैलेंस होगी। तो बैलेंस होगी तो बैलेंसिंग के लिए क्या होना चाहिए, m1 r1 प्लस इज इक्वल टू m2 r2 होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये बैलेंस नहीं होगी, और जब बैलेंस नहीं होगी तो ये पार्टिकल क्या होगा, ये पार्टिकल नीचे आ जाएगी या ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, या ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे जाएगा। लेकिन बैलेंस है तब तो स्मूथली रोटेट कर रहा है, इट मीन्स ये दोनों जो क्या इक्वल है, समझिए फ्रेंड्स। तो ये जो था ये डी सॉरी एम एम वन आर वन और ये M2 R2 था, तो ये M2 R2 था तो ये क्या होगा, जीरो इक्वल होगा, तो इट मीन्स M1 R1 प्लस सॉरी इक्वल टू M2 R2। तो इसका सम इंटीग्रेशन क्या होता है, सम होता है तो R1 की जगह पे क्या होता है, ये लिए थे क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस कितना था a, और M1 की जगह पे क्या लिए थे dm, तो dm ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है सम। तो अगर इस दोनों पार्टिकल को हम जोड़े तो क्या हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2। अब यहाँ पे एक चीज देखें फ्रेंड्स, ये जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो अपोजिट में है तो साइन क्या हो जाएगा, एक को निगेटिव होना पड़ेगा, कोई ये पॉजिटिव होती है निगेटिव होगा, ये निगेटिव होती है पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। हम जो दो पार्टिकल कंसिडर किए थे वो क्या था, एक दूसरे के अपोजिट में था, हम अपोजिट में कंसिडर किए थे, समझ गए फ्रेंड्स। तो एक दूसरे को माइनस होना पड़ेगा, इट मीन्स M1 R1 माइनस M2 R2, और ये दोनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसी तरह क्या होता है फ्रेंड्स, सभी पार्टिकल जो होता है उस प्लेट का वो क्या होता है, हो जाता है आपस में जीरो हो जाता है अगर उस पार्टिकल को जोड़े तो। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ DMA क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ DMA ये हो गया होल पार्टिकल, जितना भी उस प्लेट में जितना भी पार्टिकल होगा उसका सम। तो इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ दो ही पार्टिकल को जोड़ के देखें, इसीलिए जितना पार्टिकल होगा एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, और वो आपस में कैंसिल आउट करेगा, तभी ये बॉडी क्या करेगी, स्मूथली रोटेट कर पाएगी। आई होप कि फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।